हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ चावल के आटे और आलू से बना एक नया नाश्ता की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों चावल का आटा ले लिया है और उबला हुआ आलू। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। तो चलिए आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। आलू को हम साइड में रख देंगे। अब चावल के आटे को हम अच्छे से गूंध लेंगे। मैंने चावल के आटे का डो तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की ओर। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इस पे कढ़ाई को रख देंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च लिया है, इसको बारीक काट लिया है। इनको हल्का भून लेंगे। मिर्च और जीरा हल्का भून चुका है। अब हम इसमें लहसुन को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है। लहसुन को हल्का भून लेंगे। प्याज को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का भूनेंगे। प्याज हल्का भून चुका है। अब हम इसमें गाजर को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 गाजर लिया है, इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसको भी इसी में डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 टमाटर डाल देंगे, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा शिमला लाल मिर्च पाउडर लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आलू को भी डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम चावल के आटे को थोड़ा सा मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी लिया है दोस्तों। इसको हम चूल्हे पर रख देंगे पानी को उबलने के लिए। इसके बाद हम चावल के आटे को लेंगे इस तरीके से और इसको इसमें भर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे को कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आलू के चोखे को इसमें अच्छे से भर लिया है और यहाँ पर हमारा पानी भी उबल चुका है। तो इस पर हम इस तरह का थाली लेंगे, इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस पर हम इसको रख देंगे। इस पर मैंने रख दिया है। अब इसको अच्छे से ढक देंगे। इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा अच्छे से ये हो चुका है, अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से निकाल लिया है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है।
अब हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को इसको फिर से रख देंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें अब थोड़ा सा हम सरसों डाल देंगे, थोड़ा सा शिमला लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऊपर से हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसको मैंने दरदरा पीस लिया है, तो चलिए इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी को भी हम इसी तरह से इसमें भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको एक बार बीच से कट करके देख लेते हैं। ये देखिए, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, ये देखिए दोस्तों। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।